हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लूमिंग ब्रेंस। आज के इस वीडियो में जो चीज़ हम लोग देखने जा रहे हैं वो एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है। वो सीटेट 2019 के का एक क्वेश्चन है जो पेपर टू का है, क्लास 6 to 8। और जो पूछा गया है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन से पूछा गया है। तो इस पर क्वेश्चन पूछा गया बड़ा इंटरेस्टिंग सा, जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए एक छोटे से स्टोरी फॉर्म में। तो क्वेश्चन ये है कि नोरा फॉरगेट टू ब्रिंग हर टिफिन टू स्कूल एंड आज तानिया टू शेयर हर टिफिन सेइंग यू शुड शेयर योर टिफिन विथ मी टुडे बिकॉज आई शेयर्ड माय टिफिन विथ यू यस्टरडे। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कॉलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट नोराज स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स डैश ओरिएंटेशन टिपिकल एट ए स्टेज। तो इसके जो ऑप्शंस हैं, फर्स्ट लॉ एंड ऑर्डर पोस्ट कन्वेंशनल, सेकेंड ऑप्शन है ओबीडियंस प्री कन्वेंशनल, थर्ड ऑप्शन है बींग नाइस कन्वेंशनल और फोर्थ एंड लास्ट ऑप्शन है एक्सचेंज कन्वेंशनल। तो सिंपल से कहने का मतलब ये है कि एक बच्चों के दो बच्चों के बारे में एक स्टेटमेंट दिया गया है और उनके बीच दरमियान जो बात होती है तो उस चीज़ को उस टाइम में किस तरीके से देखा जाएगा, लाइक उनमें कौन सा ओरिएंटेशन होगा, कौन सा स्टेज होगा, उस चीज़ के बारे में ये क्वेश्चन है। तो इसको एक फॉर्म ऑफ स्टोरी की तरह समझते हैं। तो आइए देखते हैं, ये क्लासरूम है, ठीक है, ये स्कूल है जहाँ पे दो दोस्त रहती हैं। पहली स्टूडेंट का नाम रहता है नूर और दूसरी का नाम रहता है तान्या, ठीक है। ये दोनों जो है अब एक क्लासमेट है, ठीक है, वो ये दोनों जो हैं डेली टिफ़िन लाती हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये आपकी नूर है, ठीक है, ये तान्या है। तो इन्होंने जब टिफ़िन लाया तो ये इन्होंने जब टिफ़िन खोला, इन्होंने भी टिफ़िन लाया, इन्होंने जब टिफ़िन खोला तो उसमें से सैंडविच निकला और इन्होंने जब टिफ़िन खोला तो इसमें से मैगी निकला, ठीक है। तो इस तरीके से ये लोग दोनों आपस में टिफ़िन को शेयर करके खाते थे डेली, ठीक है, कभी किसी का कुछ आ गया तो इसने शेयर कर दिया, उसने शेयर कर दिया, आपस में शेयर करके खाते थे। बट एक दिन हुआ क्या कि जो नूर है वो अपने टिफ़िन लाना भूल जाती है, ठीक है। तो तान्या से कहती है कि तुम जो हो अपनी टिफ़िन मेरे साथ शेयर करो, क्यों, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ अपना टिफ़िन शेयर करा है पहले, इसलिए तुम अपना टिफ़िन मेरे साथ शेयर करोगी। तो ये जो चीज़ें हैं, यही चीज़ को क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसको क्या बोलेंगे, इसको कौन सा स्टेज बोलेंगे और कौन सा ओरिएंटेशन बोलेंगे। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास इसका जो सही ऑप्शन आता है वो आता है हमारा डी ऑप्शन, ठीक है, एक्सचेंज कन्वेंशनल, ठीक है। तो रिप्रेजेंट अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कॉलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट नूराज स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स एक्सचेंज ओरिएंटेशन एट कन्वेंशनल स्टेज। अगर यहाँ पे जैसे कन्वेंशनल स्टेज दिया हुआ, यहाँ पे प्री कन्वेंशनल स्टेज भी ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो एक्सचेंज का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे समझेंगे कि एक्सचेंज यहाँ पे जो होता है, एक्सचेंज यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया। तो यहाँ पे इसको इन शॉर्ट फॉर्म देखा जा सकता है, टिट फॉर टैट वाला ऑप्शन सिस्टम है, टिट फॉर टैट। अगर हमने तुम्हें टिफ़िन शेयर किया तो तुम्हें भी मेरे साथ टिफ़िन शेयर करना होगा, या फिर अगर मैंने तुम्हें किसी चीज़ को दिया तो वो तुम मुझे दो, या फिर ऐसा भी एग्जांपल देखा जाता है कि कोई बच्चा है वो इसका बुक जो है वो उसको फाड़ देता है तो वो जो दूसरा बच्चा होता है वो भी उसका बुक फाड़ देता है, तो उसके हिसाब से वो जस्टिस हो जाता है, वो चीज़ें जो होती हैं वो जस्टिस हो जाती है उस बच्चों के लिए कि हाँ भाई उसने मेरी किताब फाड़ी, मैंने उसकी किताब फाड़ दी तो अब मैंने बदला ले लिया, मतलब वो एक बच्चों वाली भावना होती है, वो चीज़ होती है। तो यहाँ पर एक्सचेंज का मतलब क्या हो गया, टिट फॉर टैट, ठीक है। तो यही एक छोटा सा क्वेश्चन था जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए। तो ये हमारा एक्सचेंज और कन्वेंशनल स्टेज आ गया, तो ये हमारा इसका डी आंसर हो जाएगा। ये आपका सीटेट 2019 में पूछा गया, पेपर टू में पूछा गया, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा कर के हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आफ्टर दिस वीडियो, अपलोडिंग ऑफ दिस वीडियो, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएंगी, ठीक है। तो एंड डोंट फॉरगेट टू
give this video a like, subscribe and share this video with your friends.